मथुरा पुलिस ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस प्लान के तहत रोड साइड सफेद रंग की पट्टी बनाई गई है, जिनके बाहर वाहन पार्क करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस नियम को लागू करने के बाद पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की। मथुरा वृंदावन की जनता को जाम के झाम से बचाने के लिए पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान सोमवार लागू कर दिया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर सफेद पट्टी के बाहर जो भी वाहन खड़ा मिलेगा, पुलिस उसे उठाकर आवश्यक कार्य करने में जुट गई है। इसी के चलते सोमवार को मथुरा शहर में अभियान चलाकर करीब 2 दर्जन से अधिक वाहन पुलिस द्वारा जब्त किए गए। एसएसपी अभिषेक यादव ने एसपी सिटी एमपी सिंह, सीओ अभिषेक तिवारी सहित भारी पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च कर ट्रैफिक व्यवस्था देखी। जहां उन्हें नियमों का उल्लंघन करते वाहन खड़े मिले, उन्हें क्रेन से खींचकर थाने भेजा। सड़कों पर भ्रमण करने के साथ साथ एसएसपी ने मंदिरों में जाकर वहां की व्यवस्था भी देखी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भूतेश्वर मंदिर भी गए और उन्होंने वहां पूजा अर्चना भी की। इस बारे में एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जाम की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए सोमवार से नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से जनता में जागरूकता लाना भी उनका उद्देश्य है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस व्यवस्था में सहयोग करें। हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार पब्लिक को अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक, मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे थे, जिसको आज से चालू किया गया। जब हम लोग अमूमन देखते हैं कि सड़क पे व्हाइट पट्टी दोनों किनारे बनी होती है, जो कि बेसिकली ट्रैफिक के लिए होती है मूवमेंट के लिए, उस पर लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उस पर ई रिक्शा और टेम्पो वाले खड़े करके यात्रियों को भरने लग जाते हैं। इन सभी को बार बार हमने अवगत कराया था कि भैया उस पर खड़ी ना करें, बगल में इंटरलॉकिंग भी है, टाइल्स भी है, जगह होती है, आप गाड़ी वहाँ लगा लें, थोड़ा आगे पीछे करके लगा दें, क्योंकि जब आप गाड़ी रोड पर लगाते हैं तो आने वाले सारा ट्रैफिक फंस जाता है उसकी वजह से, और पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम लगता भी नहीं है लेकिन सारा ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है। आज से हमने अभियान चालू किया है जिसमें ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं। मैं एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी, सीओ सिटी, सीओ ट्रैफिक, सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। क्रेन्स के माध्यम से ऐसी सभी गाड़ियों को टो करा जा रहा है और उनका जुर्माना किया जा रहा है जो रोड पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। यदि कोई ई रिक्शा टेम्पो वाला करता है तो उसको भी वार्निंग दी जाती है, उसको टो किया जाता है, और अगर फिर भी नहीं मानता है तो उसकी ई रिक्शा टेम्पो को सीज कर दिया जाता है।